लेकिन जो लोग डिस्क्वालिफाइड हैं या जिनको अभी तक एडमिशन नहीं मिला है, बस दो ही कैटेगरी के बच्चे रह गए हैं। दिस इज निखिल, आई एम फ्रॉम कैरेकिक सर्विसेज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नीट डिस्क्वालिफाइड वाले कैंडिडेट के लिए, बिकॉज यार जो मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस अब जो बची हुई है, जो क्वालिफाइड थे ऑलमोस्ट, उनका तो एडमिशन कहीं ना कहीं हो चुका है, लेकिन जो लोग डिस्क्वालिफाइड हैं या जिनको अभी तक एडमिशन नहीं मिला है, बस दो ही कैटेगरी के बच्चे रह गए हैं। या तो उन्होंने बाई डिफॉल्ट वो जल्दी से डिसीजन नहीं ले पाए थे और पूरी काउंसलिंग प्रोसेस एंड हो गई थी, या कुछ बच्चे ऐसे होंगे भाई मतलब उनकी चॉइस का कॉलेज अभी तक नहीं मिला होगा इसलिए रह गए। तो अभी क्या करना है, जो लोग डिस्क्वालिफाइड हैं उनके लिए तो यार एक ही ऑप्शन है, मैं बोलूँगा आप डिस्क्रिप्शन पर जाओ और एक वहाँ पर फ्री गाइडेंस फॉर्म दे रखा होगा और एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे रखा है, दोनों दे रखे हैं। तो अगर आप दोनों में, मैं बता देता हूँ क्या क्या हेल्प मिलने वाली है, कि इसमें आपको एक अलर्ट मिल जाएगा, जो भी आपको 1100 का फॉर्म का रजिस्ट्रेशन लिंक है उसमें आपको अलर्ट मिल जाएगा जब भी हाई कोर्ट से अप्रूवल का नोटिफिकेशन आएगा, या किसी भी स्टेट में कभी जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होगा तो हम आपको पहले से इन्फॉर्म करके रखेंगे कि यहाँ पर आने के चांसेस हैं। अब जो लोग यार क्वालिफाइड हैं तो उनको मैं बोलूँगा फॉर्म फिल कर दो फ्री गाइडेंस वाला, और आपको अच्छे से गाइड कर दिया जाएगा, बिकॉज अभी तक आपको लैक ऑफ गाइडेंस, आपको कोई अच्छा इंस्टीट्यूट या अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाया है। जैसे कि यूपी में अभी रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, अगर आपने यूपी में अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप यूपी में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ पैरेलली यार उत्तराखंड में भी आपका चल रहा है, इधर आपका एक राउंड हरियाणा में भी बढ़ गया है, बिकॉज हर एक जगह एक एक एक्सटेंडेड मॉपअप राउंड आ गया है। तो अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप रजिस्ट्रेशन कर लो जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे, अदरवाइज आप हमारी टीम से, हमारे काउंसलर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पेड काउंसलिंग सर्विसेज भी आप ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।